हाँ तो सदनों, ये राजा चंद मलयागिरी की कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। कथा बड़ी धार्मिक है और बड़ी ध्यान देने वाली बात है। सदनों, लोहिनगढ़ नगरी का राजा चंद महान सत्यवादी हुआ। राजा चंद की रानी का नाम था मलयागिरी। तो उधर राजा चंद का यज्ञ हवन पुण्य दान देख करके इंद्र देवता का सिंहासन हिल गया। अब इंद्र मन में विचार किया कि भाई मृत्यु लोक में ऐसा कौन है भगवान का भक्त जिसकी भक्ति के प्रताप से मेरा सिंहासन हिल गया है। तो इंद्र देवता 33 करोड़ देवताओं को बुलवाता है। तो इंद्र के दरबार में 33 करोड़ देवता उपस्थित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो देवताओं की भीड़ लग रही है। 33 करोड़ देवता बैठे हुए, तो सभा बीच में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उस समय देवताओं की सभा में खड़ा होकर के भगवान विष्णु देवताओं की सभा में खड़ा होकर के इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना करता है। ब्रह्मा विष्णु सुरेश शिव गुरु आदि अवतार जग जननी तेरा भाव का न जाने ये संसार। जग जननी ज्वालामुखी मया तेरा ही आधार चरण शरण सतगुरु की रहूं तो मया कर बेड़े ने पार कथा राजा चंद की सुनाऊं। सतसंगत गुरु की कृपा मैं सभा बीच में गाऊं। तो सदनों, देवताओं की सभा बैठी, सभा में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इंद्र हाथ जोड़ करके देवताओं की सभा में खड़ा होकर के भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना करता है। तो क्या बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी 33 करोड़ संग आए सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्र देव फरमाए। 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 देव फरमाए सदनों, देवताओं की भीड़ लग रही। उसी देवताओं की सभा में खड़ा होकर के इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान विष्णु बोलिया, अरे इंद्र, तेरे ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई भाई जो तू सब देवताओं को बुलवाया है। तो क्या बताया, कहते हैं भगवान इंद्र तुम हमको कैसे याद किया। कहते हैं भगवान इंद्र तुम हमको कैसे याद किया। इतनी बात कही तो इंद्र क्या बोलिया,
राजा चंद फंद बन बैठा, राजा चंद फंद बन बैठा, धर्म का झंडा गाड़ दिया। राजा चंद फंद बन बैठा, धर्म का झंडा गाड़ दिया। ओ झूठ कपट में त्याग दिया, और सुन विनती भगवान मेरी दी, इंद्रदेव परमाए। सुन विनती भगवान मेरी दी, इंद्रदेव परमाए। इंद्रदेव परमाए, इंद्रदेव परमाए। सुन विनती भगवान मेरी दी, इंद्रदेव फरमाए। इस प्रकार मेरे सदनों भाई, इंद्र हाथ जोड़ करके बोला, भगवान मृत्यु लोक में लोहिनीगढ़ नगरी, लोहिनीगढ़ नगर का राजा चंद नाम का आपका महान भक्त है। यदि राजा चंद ऐसे यज्ञ हवन पुनदान करता रहा तो तीन लोक का राज काज राजा चंद के हाथ में हो जाएगा। भगवान विष्णु सोचा, भाई बात तो सही है, तो देवताओं की सभा में खुद भगवान विष्णु खड़े होकर के एक बीड़ा बनाते हैं, सभा में डाल देते हैं, क्या कहन लग जाते हैं। बीड़ा वो ही उठाना जाकर सत डिगाना सरत धरी, बीड़ा वो ही उठाना जाकर सत डिगाना या सरत धरी। कोई नहीं उठाया बीड़ा, कोई नहीं उठाया बीड़ा, सबकी गर्दन झुकी पड़ी। कोई नहीं उठाया बीड़ा, ओ सुन विनती भगवान मेरी जी, इंद्रदेव परमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी, इंद्रदेव परमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी, इस प्रकार मेरे सदनों सभा में बीड़ा बना करके डार देते हैं भगवान विष्णु। अब कोई भी बीड़ा नहीं उठाया। भगवान विष्णु सोचा, राजा चंद का सत्य के सामने तुम सब कायर हो गए हो, इतना बड़ा सत्यवादी हो गया राजा, खुद ब खुद भगवान विष्णु क्रोध करके खुद ही बीड़ा उठा लेते हैं। भगवान विष्णु ही बीड़ा उठा लिया तो राजा चंद की क्या औकात है भगवान के सामने? कौन सोचते हैं? सब देवता। देवता क्या सोचते हैं कि राजा चंद की क्या औकात है भगवान के सामने? भगवान तो जाते ही राजा चंद का सत्य को डिगा देंगे। अब भगवान विष्णु साधु का बनाया भेष राजा चंद की नगरी में जाकर के अलख जगा दिया। तो राजा चंद का बाग था, राजा चंद के बाग में भगवान विष्णु साधु का भेष में दुहन लगा करके बैठ जाते हैं। मन में सोचते हैं कि राजा चंद का सत्य को डिगाऊं तो कैसे डिगाऊं। अब सदन उसी दिन का जिक्र है, उधर राजा चंद का महल में खुशियां मन रही कौन सी बात की, और उधर साधु के भेष में भगवान विष्णु मन में सोच रहे कि राजा चंद का सत्य को डिगाऊं तो कैसे डिगाऊं। तो क्या बताया, राजा की रानी मलियाग्री दो पुत्रों को जन्म दिया, राजा की रानी मलियाग्री दो पुत्रों को जन्म दिया। सायर नील नाम धर पंडित दान दक्षिणा बहुत लिया, सायर नील नाम धर पंडित दान दक्षिणा बहुत लिया। ओ राजेंद्र राव तिर जाग नया,
सुन विनती भगवान मेरी दी इंद्र देव फरमाए, सुन विनती भगवान मेरी दी इंद्र देव फरमाए। इस प्रकार मेरे सदनों बताया कवि ने। उसी दिन का जिक्र उधर साधु के वेश में भगवान विष्णु तो राजा के बाग में आकर के बैठ गए, धुआं लगा लिया। उधर उसी दिन का जिक्र है राजा चंद का महल में खुशियां मन रही। कौन सी बात की? राजा चंद की रानी मलयागिरी के दो पुत्र जन्म लेते हैं। दोनों पुत्रों का नाम बड़े बड़े विद्वान आकर के शायर और नीर रख देते हैं। तो मेरे सदनों राजा चंद बहुत राजी हुआ, दान दक्षिणा दे रहा, खुशियां मना रहा। अब उधर भगवान विष्णु बैठे राजा चंद के बाग में साधु का वेश में। तो बाग के पास में पनियारी पानी भरने के लिए कुएं के ऊपर आती हैं। एक पनियारी की नजर पड़ी, भाई बाग में धुंध और अंधकार कारण क्या है? पनियारी दौड़ती है राजा चंद का महल में आती है। तो राजा चंद का नौकर था, गेट पर ही मिल गया। तो राजा चंद का नौकर बोला पनियारी से, भाई बात क्या है, घबरा क्यों रही है, ऐसा क्या हो गया है? पनियारी बोले जी महाराज, थारा बाग में लाई लुई तो न लागी, धुआं दो अंधकार वैरी हो से। नौकर बड़ा विद्वान था, दौड़ता है बाग में गया, देखा क्या साधु तप रहा। तो मेरे सदनों राजा चंद का नौकर था बड़ा विद्वान था, बाग में गया, देखा क्या साधु तप रहा। तो राजा चंद का नौकर बोलिया महाराज चलो महल में चलो भोजन जीवो, ये सुंदर श्रोमणी बाग है, बाग में कभी धुआं नहीं लगाया जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे साधु संत महात्माओं के दर्शन बड़े मुश्किल से इंसान को प्राप्त होते हैं। तो साधु नहीं था, भगवान विष्णु था। नहीं, ऐसे महल में नहीं जाऊंगा। तो महाराज कैसे जाओगे? तेरा राजा चंद को खबर दी जाए, खुद राजा इस बाग में आएगा मेरे को लेने के लिए, तभी महल में जाकर के मैं तुम्हारा भोजन जीमूंगा। नौकर वापस दौड़ता है, महल में चला जाता है। नौकर घबरा रहा, राजा चंद बोला रे नौकर आज खुशी का दिन है, आज तू घबरा रहा है, इसका कारण क्या है? नौकर बोले महाराज आपको पता नहीं, आप तो महल में मगन हो रहे हो और तुम्हें मालूम नहीं अपने बाग में क्या हो रहा है। राजा चंद घबरा गया, बोला नौकर ऐसा क्या हो गया भाई, बाग में जल्दी बता। तो नौकर राजा चंद को क्या कह रहा, तो क्या बताया? साधु एक बाग में बैठो, साधु एक बाग में बैठो, चालो आप जरूर जी, बुरा हाल कंगाल दारिदर हो रहे संज्ञा सूर जी, पणियारिया से खबर मिली जब खुद में गया हजूर जी। एक बाग में, अपने बाग में एक साधु आया हुआ है, साधु का नाम लिया। राजा चंद बोला रे नौकरी से मैं घबराने की बात क्या है, तो क्या बताया? नौकर तू शायर सुई ज्ञानी, नौकर तू शायर सुई ज्ञानी, जाओ पूछो बेग बताए जी, साधु का ऐसा क्या काम जो बाग में बैठा आए जी। राजा चंद बड़ा सत्यवादी, मन ही मन घबराए जी, वो भूखो प्यासो साधु जब सत माटी में मिल जाए जी। इस प्रकार मेरे सदनों राजा बोला नौकर साधु बाग में आकर के बैठा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वापस जा और महल उस साधु को आदर सम्मान सहित महल में लिया। सदनों यह बात कही, नौकर बोला महाराज वो उससे महल में नहीं आएगा। तो वे कहते भाई तू तेरा राजा चंद को भेजेगा, राजा ही आकर के मुझे ले जाएगा, तभी मैं तुम्हारा भोजन खाऊंगा जीऊंगा। सदनों यह बात कही, राजा चंद बोला ऐसा जिद्दी खोर साधु कहां से आ गया, इतने बड़े बड़े विद्वानों को छोड़ करके मैं कैसे जाऊंगा एक साधु के लिए। नौकर बोला ना ना महाराज, ऐसी वाणी आपके मुखार से शोभा नहीं देती, तुम्हारा संसार में नाम या कीर्ति फैल रही है, नाम सुनकर के साधु आया है, आपको जाना होगा, आदर सहित साधु को महल में ले आना होगा। राजा चंद दौड़ता है बाग में गया, देखा क्या साधु तप रहा। तो राजा हाथ जोड़ करके बोले महाराज ये राजा चंद आपके सामने हाजिर है, चलो महल में चलो और भोजने जीमो। साधु नहीं भगवान विष्णु था साधु के भेष में।
राजा चंद को देखते ही क्या बोलिया, अरे अब क्यों राजा भाग आया, क्या तुम्हारे पीक है? जान से अजान होगा क्या तुझे नहीं ठीक है? महामूर्ख ज्ञानी, तू तो महल में खुशियां मना रहा है और एक तेरे बाग में भूखा प्यासा साधु पड़ा है जिसकी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं। अब तो मैं तेरे नगरी का दाना पानी नहीं खाऊंगा, इतनी बात कहकर के साधु के वेश में भगवान विष्णु रवाना हो जाते हैं रूस करके। तो उस समय राजा चंद हाथ जोड़ करके माफी मांगता है, क्या कहने लग जाता है, मारा विप्र राज महाराज, मेहर कर दीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो। मारा विप्र राजमा राज मेहर कर दीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो, हाथ जोड़ करके माफी मांगता है, महाराज कोई गलती हो गई हो क्षमा करो और महल में चल करके भोजन जीऊं। इतनी बात कहने के बाद में राजा चंद फिर अपने जवान से क्या कहता है साधु को, आज मैं इच्छा पूर्ण करूं देवता थारी, हे मांगो सोई चार खजान मारे भारी, मांगो सोई तेरे खजन मारे भाई। मारी माटी में मिल जाई, करी करनी जो करी भगती जो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो, मारा विप्र राजमा राज मेहर कर दीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो। मारा विप्र राजमा राज मेहर कर दीजो, गलती की कर जो। इस प्रकार मेरे सजनों राजा चंद की जबान से मोटी बात निकल गई। राजा चंद साधु ने के बोलियो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा महाराज, मेरे महल में चलो। इच्छा पूर्ण का नाम लिया राजा चंद को साधु बोला, अरे राजा मैं तो ये सुनकर के आया था कि राजा तू ज्ञानी है विद्वान है, लेकिन मुझे पता चल गया है तू ज्ञानी विद्वान तो है ही है मगर तू अभिमानी भी है, तेरे धन का गुरूर है, साधु संत महात्माओं को धन का लालच देकर के तू महल में ले जाना चाहता है, अब तो मैं तेरा भोजन जीमता तो भी नहीं जीऊंगा। साधु जा रहा उस समय राजा चंद हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया और बोले, महाराज आपकी इच्छा क्या है वो बता दो। तो मेरे सजनों अब साधु बोला, राजा चंद या तो मेरा रास्ता छोड़ दे, यदि भोजन जिमाना चाहता है महल में ले जाना चाहता है तो सुन मेरी इच्छा ये है। तो क्या बोला साधु, तेरी रानी को ना साथ मुझे ले बन को,
तेरी रानी को ला साथ मुझे लेवन को। यो राजेंद्र राव सुनाय, राजेंद्र राव सुनाय प्रभु की बाणी जो, प्रभु की बाणी जो गलती की कर जो माफ शरण में लीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो। राजमा राज महर कर दीजो, महर कर दीजो। राजा चंद को साधु बोलिया, राजा चंद भोजन जिमाना चाहता है तो तेरा हाथी घोड़ा धन दौलत रेवन दो, और तू तेरी रानी को ला साथ मुझे लेवन। महल में जा, तेरी रानी को साथ में लेकर के तू उस बाग में आ जा, तब तो मैं तुम्हारे महल में जाकर के भोजन जिमूंगा, नहीं मैं तो आज जिमू उनका। या बात कही, कहते राजा चंद हाथ जोड़ करके बोले, महाराज ये तो खाम खा आपकी झूठी जिद है, मेरी रानी इस बाग में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि भाई मेरी रानी के गर्भ से आज ही दो दो बच्चों का जन्म हुआ है। महाराज बताओ, मैं मेरी रानी को इस बाग में लाऊं तो कैसे लाऊं? भगवान विष्णु गठवासी अंतर्यामी सारी बात का बेरा था, लेकिन उनको तो सत्य को ठिकाना था। तू तेरी रानी को नहीं लाएगा इस बाग में तो मैं तेरे महल में जाकर के भोजन नहीं जीमूंगा, इस बात को चाहे तो जिद ही समझ ले। अब उधर इंद्र के दरबार में देवताओं की भीड़ लग रही थी, सब देवता हंस रहे, इंद्र भी राजी हो रहा। क्यों? कि भगवान विष्णु जोर की जिद पकड़ी भाई, नाबालक बच्चों को रोता छोड़कर के रानी महल में राजा चंद के साथ में बाग में नहीं आएगी। यदि बाग में नहीं आई तो राजा चंद के द्वार के ऊपर जाकर के भगवान विष्णु साधु का वेश में भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। भोजन नहीं किया तो सत्य के दाग लग जाएगा। तो सब देवता मन में राजी हो रहे। उधर मेरे सरनो राजा चंद मन में सोचता है कि यदि ये साधु भूखा प्यासा चला जाएगा, भक्ति का दाग लग जाएगा। तो राजा चंद बोलिया, महाराज बैठो बाग में, महल में जाता हूं मैं, मेरी रानी को भी ले आता हूं। तो राजा चंद महल में चला जाता है रानी मलियागिरी के पास में। तो पतिव्रता नारी रानी मलियागिरी राजा चंद को देख करके, उदास देख करके बोली, पति देव आज खुशी का दिन है, आज आपके चेहरे पर उदासी है, इसका कारण क्या है? राजा चंद बोला, रानी मलियागिरी खुशी का दिन था लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? तो मेरे सदनों, रानी मलियागिरी को राजा चंद बोला, रानी हे रानी मलियागिरी, आज ये सत्य धर्म की डोर तेरे ही हाथ में है। मैं समझता हूं तू मेरी पतिव्रता नारी है, मेरी जब मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी, लेकिन ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में कोई स्त्री खड़ी नहीं हो सकती, घर मकान के बाहर कैसे जा सकती है? लेकिन सुने, दुख इस बात का है। तो क्या बोला राजा? सोचे अपार नार के तू संतार, तने के तू संतार जी, सोचे अपार नार के तू संतार, तने के तू संतारी। राजा बोलिया, बड़ा दुख है मेरी आत्मा में, बड़ी दुख की बात है। क्या? सोच अपार नार के तुम समझार जी, सत्य धर्म आज प्यारी पिया जी को जावे है, हो गई अछूती विपर जगत में उदासी उती, तू तो जा पामा है सूती, देवस की बात है, कष्ट पड़ो ऐसो आए, जगत हाथ प्रथा जाए और न उपाय, अब संगी रघुनाथ है, कहे कभी लच्छी राम श्याम का सोना मुनाम, सत्य धर्म आज रानी सारो तेरे हाथ है। इस प्रकार रानी मलियागिरी, सत्य धर्म की डोर तेरे ही हाथ में है, मेरी साथ में तेरे को बाग में चलना होगा और साधु को महल में लाना होगा। रानी बोली, रथ ले जाओ, रथ में बैठा करके बाजा गाजा सहित साधु को महल में लाओ, भोजन जिमाओ। राजा चंद बोला, रानी पागल तो नहीं हो गई? वो हाथी घोड़ा धलका भूखा नहीं है, उसकी जिद केवल यही है कि तू तेरी रानी को इस बाग में लेकर के आ जाएगा तभी तुम्हारे महल में जाकर के मैं भोजन जिमूंगा। रानी मलियागिरी मन में सोचती है, भगवान यदि पति को ना तो कर देती हूँ कि नहीं चलूंगी तो वैसे पतिव्रता नारी का सत्य के दाग लगता है, यदि साथ में जाती हूँ तो आज ही मेरे गर्भ से बच्चों का जन्म हुआ है तो बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे। फिर रानी मन में विचार करी कि भगवान दीनबंधु दीनानाथ ये पुत्र दिए हैं,
यानी ये बच्चे मेरे बिना स्वर्ग भी सिधार जाएंगे, कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन सबसे मोटा दुख तो एक ही बात का होगा कि हमारी नगरी से एक भूखा प्यासा साधु चला जाएगा। चलो पतिदेव, मां आपके साथ में चलती हूँ। तो नाबालक बच्चों को महल में रोता छोड़ करके रानी मलयागरी राजा चंद के साथ में रवाना हो जाती है। तो क्या बताया, अपनी संग ले जाता है साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। कैसे साथ में आता है भूपदेव साधु बाग से, कैसे साथ में आता है साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। रानी को ले जाकर के राजा चंद साधु के सामने खड़ी कर देता है। बोला, ले महाराज आपकी जिद पूरी हो गई है, अब चलो महल में और भोजन जीवो। अब भगवान विष्णु साधु का वेश में देख रानी की सकल को मन में विचार लगाए, ले मेरा यार तेरे तो यो चक्र भी फैल हो गो भाई। अब के भगवान विष्णु साधु का वेश में अब क्या माया फैलाते हैं। साधु शरीर से बिल्कुल दुबला पतला लेकिन शरीर में काफी वजन कर लिया और राजा चंद को बोलिया, अरे राजा मैं मान गयो तू वाक्य में मेरी जिद पूरी कर चुका है, तू बहुत बड़ा सत्यवादी है। तो भाई मैं बूढ़ा बुजुर्ग साधु, मेरा से पगा को ना चले जाएगा, अब मन तो महल में भी थे उठार ले जाऊंगा, अब मेरे ताऊ कहीं चल जाए। शरीर में काफी वजन बढ़ा लिया लेकिन फिर भी राजा रानी कैसे साधु को महल में लेते हैं। तो बताया, अरे भाई पूजा चंद सी राजा दाई तरह परानी चाले जापा किया बाल बुरी रे रानी ने दुखनो गाले, जापा किया बाल बुरी रे रानी ने दुखनो गाले। पंगा कुमारा विप्र देव जाका हाथ पाम डिग डिग हाले, पीड़ा पेट की पीड़ा घनी रानी के गोड़ो चाले, पीड़ा पेट की पीड़ा घनी हो रानी के गोड़ो चाले। हे भगवान तेरी माया का, हे भगवान तेरी माया का भेद समझ नहीं पाता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। इस प्रकार मेरे सजनों राजा रानी साधु को महल में ला रहे, बाई भुजा चंद्रशी राजा, कहने का मतलब बीच में साधु और पास में राजा रानी, एक हाथ राजा चंद का कंधे पे किसका साधु का, और दूसरा हाथ रानी मलयागिरी का कंधे पे, बीच में आप लुमियो जा रही हो, बीच में आप लुमियो जा रही हो, कहने का मतलब राजा रानी को तो बना रखा है बैल के रूप में, आप बन गो गाड़ी, गाड़ी बनी तो वह भी कसी वह भी पिंचर ही गाड़ी जो घिसवा में काफी परेशानी आवे, कड़े पग टेके टेके को नहीं मेरोता हूं, सारो वजन दे रखो राजा रानी पर। लेकिन राजा रानी हिम्मत नहीं हार रहे, साधु को महल में ला रहे। अब सदनों नाबालक बच्चे महल में मां के बिना कैसे रह सकते हैं। तो क्या बताया, अरे छाती पर आ पर आ चले बच्चे महल में रोते हैं। तो रानी मलयागिरी के अश्रुओं से दूध निकल करके बह रहा, रानी मन में सोच रही भाई मेरे पुत्र महल में रो रहे हैं, अब मैं मेरे बच्चों के पास में साधु को रस्ते में छोड़ करके जाऊं तो कैसे जाऊं।
लेकिन फिर रानी मन में सोची तो सदनों रानी मन में विचार करती है यदि तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे साधु तो पहले जिद पकड़ो से कह देगा राजा अरे राजा कोई ले चाल बाका गैला से तेरी रानी तो रो रही है भाई मैं तो नहीं चलूंगा तो काती कुती सारी का पास हो जाएगी तो रानी का मन में तो बाकी कौन है लेकिन चेहरे को उदासी भी नहीं लाती है तो बताया अरे छाती पर आपने आंचले छाती पर आपने आंचले परवा रानी मुख से नाय खयो तन खांडे की धार बना ली आपको संकट सयो तन खांडे की धार बना ली आपको दुखड़ो सयो आपको दुख आप ही सहन कर गई चेहरा पर उदासी भी कोने ले ऐसे करते करते राजा रानी साधु को नगरी में तो ले आते हैं तो लोहनगढ़ नगर बड़ा शहर था शहर के वासी शहरवासी देखते हैं क्या बीच में साधु और पास में राजा रानी ऐसा हाल बे हाल देख करके लोग मन में विचार करते हैं भगवान हमारा राजा रानी महान सत्यवादी साधु की जिद को पूरी कर रहे हैं तो मेरे सगनों देख करके लोग क्या विचार करते हैं तो बताया अरे शहर के सब लोग देखें शहर के सब लोग देखें अटल मार्ग बह रहे नोनो पर्दा लाग्या करते आज पर्दो कहां गयो नोनो पर्दा लाग्या करते आज पर्दो कहां गयो ऐसे करते करते दुख सुख पाकर के साधु को राजा रानी महल में ले जाते हैं लेकिन दरवाजे में पग धरते हो साधु के बोलियो अरे राज कर मेरे को भेजे जब धर्मी कहलाता है साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है प्रकार मेरे सगनों दुख सुख पाकर के राजा रानी साधु को महल में ले जाते हैं दरवाजे में पैर धरते हुए साधु मन में ही विचार लगाए ले भाई अब तो तने कोई नयो ठेटर घड़ी पार पड़ेगी राजा चंद को साधु बोला राजा तू मने महल में ले आयो कोई बात कोने में मान गया भाई वाक्यम तू बड़ा सत्यवादी है लेकिन तू मेरे को राजी करके भेजेगा मैं तभी तेरे को सत्यवादी मानूंगा कहबे को मतलब यह कह रही हो कि भाई अभी तक तू तेरे दिल में राजी मना हुए ये मना सोचे कि भाई अब तो तेरी सारी आफत उतर गई मैं कह दूंगा कि राजी हूं तब तू ये सोच लेना कि भाई आज बहुत बड़ा सत्यवादी हो गया है लेकिन राजा रानी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि साधु कहां बोल रहा है राजा रानी को तो साधु को महल में ले जाना था महल में ले गई अब मेरे सदनों दौड़ करके रंग महल में रानी बच्चों के पास में पहुंच गई अस्तनों से लगा करके बच्चों को दूध पिला रही उधर राजा चंद साधु के लिए कितनी प्रकार का भोजन बनवाया नाना विधि प्रकार के भोजन बनवा के छतरी धारी 62-64 माल सलूना और 36 की तैयारी 36 प्रकार के भोजन बनाए चौकी लगा दी भोजन की पुरस्कारी करी राजा चंद बोले महाराज भोजन जीमो उस समय साधु कहने लगाया ऐसे भोजन ना जीमो पहले एक अर्ज सुन लियो मारी अमर नाम कर दे दुनिया में राजा में कृष्ण की रथी थारी राजा चंद में तेरा भोजन ऐसे नहीं जीमूंगा अब राजा चंद ने क्रोध आगोर मेरा ताऊ अभी कोई ना भोजन जीमे बड़े बाकी के रहो भाई साधु बोला राजा
यदि तू मेरे को भोजन जिमाना चाहता है तो पहले वचन दे। राजा चंद को क्रोध आ गया, महाराज कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं मैं आपको वचन भी देता हूँ। सूरवीर की यह सच्चाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजा चंद वचन दे दिया। वचन देते ही मेरे सदनों साधु राजा चंद को क्या बोलिया, राजा से साधु कहे राजा सत्य प्रेरणा होगा, मैं मांगू सो आपको मुझे राजा जी देना होगा, मैं मांगू मेरे को वही देगा, मैं तभी तेरे को सत्यवादी मानूंगा। तो राजा चंद कहने लग जाता है, वचन दे चलता नहीं छतरी कह लागे दाग, जी चाहे सो लीजिए मैं हाजिर हूं महाराज। मैं आपके सामने हाजिर हूं, आपकी 600 मांगू। बोले हाजिर है। राजा चंद बोला हां कह दिया ना नहीं करूंगा। साधु बोला तो तू हाजिरी है तो मेरी इच्छा ये है क्या? तो साधु क्या बोला, हाजिर हो तो सुन लीजिए हाजिर हो तो सुन लीजिए अब के साधु बोला बहन। बहन का मतलब यानी बात है। हाजिर हो तो सुन लीजिए अब के वो साधु बोला बहन, राज पाठ दे तो मुझे मैं भोगूंगा सुख चैन। ओ मेरे सदनों यह बात कही कि भाई तू हाजिर है तो मेरी इच्छा यह है कि राजपाठ दौलत की चाबी मुझे सौंप दे, यहां से रवाना हो जा। या बात कही कहते मेरे सदनों राजा चंद की आंखों में आंसू आ गए। महाराज आपने ये क्या कहा, आपने ये क्या कह दिया, सब कुछ मांग लिया, मेरे पास में क्या रहा, कुछ भी नहीं। साधु बोला राजा नहीं देना चाहता, इनकार कर दे कि नहीं दूंगा। अब सत्यवादी राजा चंद ये कैसे कह सकता है कि भाई नहीं दूंगा, वचन दे चुका था। अब राजा मन में विचार किया कि भाई हो गया सो हो गया, लेकिन मैं मेरी जबान का दाग नहीं लगाऊंगा। राजपाठ दौलत की चाबी साधु को सौंप देता है। अब सदनों साधु बोला तो राजा अब तू मेरी बात सुन, वो क्या, अब सब कुछ मेरा हो गया है, जल्दी महल में जा, तेरे बच्चों को तेरी रानी को साथ में लेकर के अभी इसी वक्त यहां से रवाना हो जा। एक बात और सुन राजा, कि तू बहुत बड़ा सत्यवादी है, नगर निवासियों का तेरे ऊपर काफी प्रेम है, यदि कोई नगरी को आदमी तनिया कह दे कि राजपाठ दौलत तो साधु को दे चुके हो आप हमारे घर चल, तो मैं मेरी नगरी के भीतर भी तुमको नहीं रहने दूंगा। एक बात और है, वो क्या, कि भाई जो तुम राजा रानी राज, एक बात और है कि जहां तक मेरी नगरी की सीमा है, सीमा को मतलब यानी नगरी को कांकड़, वहां तक तो मैं तुमको वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठने दूंगा, वृक्ष यानी पेड़ के नीचे भी घड़ी दोगड़ी बैठ करके आराम नहीं करने दूंगा, नगरी का कांकड़ है सीमा है वहां तक। तो बोले ठीक है महाराज। सब कुछ साधु को देकर के रंग महल में रानी मलियागिरी के पास में राजा चंद आता है। रानी के पास माया, रानी फिर से राजा चंद का उदास चेहरा देखती है, बोली पतिदेव अब क्या दुख है। राजा लाचार होकर के बोलिया, हे रानी मलियागिरी मोटा दुख बाकी था वो अब हो गया है, क्या हुआ। राजपाट अब सुन ले रानी, राजपाट अब सुन ले रानी, आए मैं उस साधु धोरे कर दीना, दीन बंधु भगवान रूस गया भेष गरीबी धर दीना। सब कुछ साधु को देकर के आया हूं, अब यहां अपना कोई लेने देना नहीं है। या बात कही कहते रानी मलियागिरी भी बड़ी परेशान हो जाती है, भगवान आपने ये क्या कर दिया, सब कुछ साधु ले लिया, मां आपके साथ में हे पतिदेव जाऊं अब कैसे जाऊं, दो दो बच्चों को लेकर। राजा बोला रानी हिम्मत करें पार पड़ेगी। रानी भी मन में फिर विचार करती है, भगवान दुख दिया है दुख भोगना अपना काम है। पतिव्रता नारी थी, राजा चंद को हिम्मत बधाने लग जाती है कि दुख सुख का जोड़ा होता है पतिदेव, कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो वो थी पतिव्रता नारी, तब राजा चंद को हिम्मत बंधाई,
नहीं तो वह यह भी कैसे कैसी के कि साधु ज्यादा ही टाट पर चढ़ तो आवश्य आंटी देर डाडिन तिले उपाड़ी दरबार के बाहर फेंक दे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, चलो पतिदेव भगवान ले जाएगा वहां चलेंगे। तो राजा रानी जाने की तैयारी करते हैं, रंग महल में साधु और भी पीछे से दौड़ के आ गया राजा रानी के पास में। बोला राजा जल्दी करके रवाना हो जाओ भाई, टाइम मत लगाओ। एक बात और सुनो, जो तुम राजा रानी राजघराने की पोशाक पहन रखी है ना, यह पोशाक बड़ी कीमती दिखाई दे रही है, इसको निकाल दो और फटे पुराने कपड़े पहन लो। तुम्हारे पैरों में मोचड़ी, ये भी बड़ी कीमती दिखाई दे रही है, पैरों में से मोचड़ी उतार दो और नंगे पैर यहां से चले जाओ। तो मेरे सजनों, फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं, पैरों में से मोचड़ी उतार देते हैं, अब दो दो बच्चों को रानी गोद में लेकर के कैसे जाए। उस समय रानी बोली साधु से, महाराज यदि आपकी मेहरबानी हो जाए, ये पालना मुझे दे दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। साधु बोला कोई बात नहीं भाई, वैसे पालना है तो बड़ा कीमती, लेकिन ठीक कर ले जा सकती है। तो शायर नीर को रानी मलयागिरी पालने में सुला लेती है, पालना उठा करके अपने माथे को ऊपर धर लेती है। आगे राजा पीछे रानी, फटे पुराने कपड़े पैरों में मोचड़ी भी नहीं। अब नगर निवासियों को मालूम चला कि अपना सत्यवादी राजा सब कुछ साधु को देख करके जा रहा है। तो नगर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं दरवाजे के सामने आकर के। राजा रानी दरवाजे से बाहर निकलते हैं, हाल बे हाल लोग देखते हैं। लोग रोते हुए कहते हैं महाराज आप हमारे घर चले। कोई कहना महाराज थे मेरे घर चालों में थरी काफी सेवा करूंगा। राजा चंद बोला ना ना भाई, इस नगरी में तो क्या, नगरी की जहां तक सीमा है ना, वहां तक तो मैं पेड़ के नीचे भी नहीं बैठ सकता। अब तो भगवान ले जाएगा, मैं वहीं जाऊंगा। यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो राजा चंद मेरे सदनों नगर निवासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, जाता है। तो बताया कवि ने, इंसान पर इंसान रुस जाए सदनों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को गरीबी सता लेती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान को अगर भगवान दीनबंधु दीनानाथ ही रुस जाता है तो बड़ी विपता भोगनी पड़ जाती है। तो राजा रानी पर भगवान रुस गए, कितना दुख भोगना पड़ा। तो क्या बताया कवि ने, भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। लोयन गढ़ से जावे राजा, लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। क्या बात, तो सदनों राजा रानी लोहिनीगढ़ नगरी से जाते हैं। अब सदनों उधर भगवान विष्णु मन में विचार लगाया, ले भाई जो जो बात राजा चंद ने कही वह बात सारी पूरी कर गया। अब तू राजा चंद का सत्य को डिगाएगा कैसे डिगाएगा, यदि सत्य को नहीं डिगाया तो सब देवता तेरी मजाक करेंगे। तो भगवान विष्णु भी सोनबांदरी लहर पड़गो की देखता हूँ कितना बड़ा सत्यवादी है। अब गर्मी का मौसम तो पहले ही था, और भी भगवान विष्णु सूर्य देवता को हुक्म दे देते हैं, सूर्य देवता प्रकट होते हैं। क्या बात है भगवान विष्णु कहता है सूर्य देवता से, हे सूर्य तुझे मेरी आज्ञा है। कहो भगवान आपकी क्या आज्ञा है।
थोड़ा ताव दिखा, धरती मातेश्वरी को अग्नि की तरह जला दे भाई। सूर्य ने थोड़ा सा क्रोध किया, धरती मातेश्वरी अग्नि की तरह जल उठी। अब राजा रानी के पैर जल रहे, पैरों में मोसड़ी नहीं थी। और ये कह दिया था साधु कि भाई जहां तक नगरी की सीमा है वहां तक तो मैं तुमको पेड़ के नीचे नहीं बैठ करके आराम करने दूंगा। अब पैर जलते हैं तो इंसान पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अब ठंडी छांव में बैठ नहीं सकते। वचन दे चुके थे कि भाई नहीं बैठूंगा तो नहीं बैठना चाहिए। तो मेरे सदनों, अब पैर जल रहे राजा रानी के, रानी रो रही पति देव, भगवान की क्या माया है, सूर्य देवता ने भी आज कितना क्रोध किया है। अब भगवान विष्णु खुद कैसा भेष बनाया, रास्ते में बैठ गए, राजा रानी का सत्य की अजमाइश कर रहे। क्या बताया, पग उपाणा और मोच का भेष बना करके भगवान विष्णु रास्ते में बैठे हैं, सत्य की अजमाइश करते हैं। पगड़ उबाना देख पगड़ की पैरावन मोची आयो, कुसी पड़े जब दाम दे दीजो कर सको थे दिल में चायो। उस समय राजा चंद उस मोची को क्या बोलिया, अरे धर्म पुने की दे ब्राह्मण को आखिर में छतरी जायो, धर्म पुने की दे ब्राह्मण को आखिर में छतरी जायो, कोटि पास एक नहीं मेरे भगवान को पकड़ो पायो। इतनी बात कहकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। तो बताया, अब विकट बनी मैं भूख सताई ओ रे 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 ओ, अब विकट बनी मैं भूख सताई अनबिन जीव अलसावे से, राजा चंद भिखारी बन गए लोयनगढ़ से जावैसे, राजा चंद भिखारी बन के लोयनगढ़ से जावैसे। लोयनगढ़ से जावे राजा, लोयनगढ़ से जावैसे, राजा चंद भिखारी बन के लोयनगढ़ से जावैसे। इस प्रकार मेरे सदनों, राजा रानी दुख भोग लेते हैं लेकिन मोचड़ी नहीं पहनते हैं। राजा चंद बोले, भाई मोचड़ी तू उधारी देना चाहता है, पहनाना चाहता है, किसी ब्राह्मण को पहना, मैं तो खुद ही दान पुण्य करके आया हूं। पैर जल गए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, सारा खुद भी जल जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात कहकर के वहां से भी रवाना हो जाते हैं। उजाड़ व्यापान जंगल में चले जाते हैं। दोपहर ही ढल जाती है, शाम का वक्त हो जाता है। अब सदनों भूख प्यास अब सताती है, दोपहर ही डढ़ गई, दोपहर से बस जाते हैं दुख सुख भोग करके। तो मेरे सदनों भूख प्यास लग जाती है। उजाड़ व्याबान जंगल में पहुंच गए, आसपास में नगरी दिखाई नहीं दे रही। रानी बोली, पतिदेव किसी नगर में चलो, भूख और प्यास में जीव बड़ा व्याकुल हो रहा है। राजा चंद बोला, रानी जल्दी पैर उठा, यदि अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी जंगल में तो नार वगैरह शेर चीता खा जाएगा। राजा रानी जा रहे उसी जंगल में उसी वक्त फिर भगवान विष्णु कैसा भेष बनाते हैं, क्या रास्ते में बैठे हुए मिल जाते हैं। राजा रानी का सत्य की अजमाइश करते हैं, कैसा भेष बनाया। ए जी पातुई पकवान बना कर आगे बैठो हलवाई, पातुई पकवान बना के आगे बैठो हलवाई। राजा से बोला, राजा से बोला जी मैं जाओ छतरी जान तुम्हारी घबराई, राजा से बोला जी मैं जाओ छतरी जान तुम्हारी घबराई।
साधनों पांच प्रकार के भोजन बना करके भगवान विष्णु हलवाई का भेष में बैठे हुए जंगल में, जंगल में दुकान लगा रखी जानते भीड़ पड़ती है। पांच प्रकार के भोजन शुद्ध पवित्र जल का मटका भर रखा तो मेरे सदनों इंसान को भूख सताती है ना, तो बासे टुकड़े अमृत के समान लगते हैं। प्यास लगती है तो शुद्ध अशुद्ध जल नहीं देखा जाता, कैसा भी कहीं पर भी हो पीकर के जान बचा लेते हैं। लेकिन महान सत्यवादी राजा चंद उस जगह भी जवाब दिया उस हलवाई को, क्या बोलिया भाई तेरा भोजन जिमे, तेरा भोजन जीमते मगर जीमा तो अब कैसे जीमा भाई, हमारे पास में कोई पैसा नहीं तेरे को देने के लिए। तो क्या बोलिया राजा, बोलिया कैसे जीमा मारे पल तंग आई, राजा बोलिया कैसे जीमा मारे पल तंग आई। इतनी बात कहकर के राजा हिम्मत करके क्या बोला एक बात और, श्वास रहता यार मेहनत कर खाजा भाई, जब तक श्वास रहता यार मेहनत कर खाजा भाई। इतनी बात कह करके वहां सभी आगे रवाना हो जाते हैं। तो क्या बताया ओ भिखारी बन के लोइन गड से जावे से, आ जी लोइन गड से जावे राजा, लोइन गड से जावे से राजा चंद भिखारी बन के। इस प्रकार मेरे सदनों ना मोचरी पैरी ना भोजन जीमा आगे रवाना हो गई। भगवान विष्णु सोचा रहा भाई कुछ सत्कम हो जाए, वही कैसा ब्राह्मण का भेष बनाया पीछे से दौड़ते हुए आ रहे कह रहे राजा जी ठहरो ठहरो, महाराज ये शुद्ध पवित्र जल का लोटा भर करके लाया हूँ, कम से कम जल तो आप भी पी जाओ। राजा चंद बोले रे मेरा ताऊ तू पहले तो यह कह दे बल दे तू है कौन जो मारो गाडो पीछो कर रहा है, मैं कह चुका मरबे मर जाऊंगा, धर्म पुण्य की चीज ना ही खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। तो मेरे सदन इस प्रकार राजा रानी वहां से भी रवाना हो गए, उजाड़ व्यापार जंगल में चले गए। मेरे सदनों श्याम का वक्त क्या थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ी दूर आगे गए सामने से आडी नदी बह रही, नदी के तीर पर राजा चंद खड़ा होकर के रानी को बोला रानी मलियागिरी आगे पैर नहीं धरना, क्या हुआ कि आडी नदी बह रही है। अब रानी मलियागिरी कहती है भगवान की कैसी लीला है, हे पतिदेव रास्ता ढूंढो कोई उपाय करो नदी को पार करके किसी नगर में चलो। राजा चंद बोला रानी नगर में चलेंगे तो कर भी कह सकते हैं, नगरी में चलेंगे चलते चलते काफी रात व्यतीत हो जाएगी, वैसे ही रात हो गई तो नगरी सूती मिलेगी, क्या मजदूरी कर सकते हैं, दियावा दान खा नहीं सकते, मेहनत मजदूरी रात का वक्त कर नहीं सकते, तो भाई मेहनत मजदूरी होगी तो सुबह ही होगी, परेशान क्यों होते हैं, अब तो रात रात नदी के तीर पर रहना होगा। रानी बोली नहीं पतिदेव मेरे पास में उपाय है, क्या ये बच्चों का पालना अपना है, किसी सेठ को जगा करके बच्चों का पालना बेच देंगे, इसके दाम पर से मैं खाने पीने की सामग्री ले लेंगे और भाई अपना टाइम पास करेंगे। भाई बात तो सही है। राजा चंद बोला तो ले रानी पहले तो बच्चों का पालना मुझे दे, पहली तीर पर धर करके आता हूँ फिर वापस आकर के तुझे ले जाऊंगा। अब सदनों वो कहते हैं कि राजा जोगी अग्न जल इनकी उल्टी रीत, डरता रही जो पर सराम थोड़ी पाड़ो प्रीत। तो भाई राजा चंद बच्चों का पालना माथे के ऊपर धर करके नदी में उतर जाता है, धीरे धीरे पहली तीर पर भी चला जाता है। शायर नीर का पालना पहली तीर पर धर करके रानी को लेने के लिए वापस आ रहा था, जैसे नदी के बीच में आया भगवान विष्णु गंगा मातेश्वरी नदी को उखम दिया, हे गंगा मातेश्वरी ऐसा झोंका मार दे जो राजा चंद तेरे में भय करके चला जाए। तो गंगा ने क्रोध किया ऐसा झोंका मारा राजा चंद तो नदी में बह गए। राजा चंद नदी में बह गया। अब मेरे सदनों एक तरफ रानी खड़ी खड़ी रोवे, एक तरफ बच्चों का पालना, राजा रोता रोता बह गया नदी में। अब चारों प्राणी कैसे अलग अलग बिछड़ जाते हैं, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो रानी रोती है रुधिर मचाती है, राजा रोता रोता नदी में बह जाता है।
ढावे में रही प्राणपति को बहा ले गई गंगा तू बैरण भई बिलखे सायर नीर रानी तीर पे मलियागिरी तो मेरे सदन इस प्रकार राजा रोता रोता नदी में भेगा रानी भी अंधेरी रात थी बच्चों का पादना नदी की तीर पर छोड़ करके रोती रोती वहां से रवाना हो जाती है और क्या रुधन मचाती है सायर नीरे बिलकता छोड़ा ओ जी सायर नीरे बटकों हे करतार के आन बनी मैं मलियागिरी बन बन बटकों हे करतार के आन बनी मैं मलियागिरी बन बन बटकों हे करतार के आन बनी हे करतार के आन बनी अरे हे करतार के आन बनी मैं मलियागिरी बन बन बटकों हे करतार के आन बनी करतार के आन बनी इस प्रकार रानी रोती रोती वहां से रवाना हो जाती है तो रानी क्या कहती है हे भगवान तूने सब कुछ लूट लिया मेरा लेकिन उन बातों का कोई दुख नहीं था कह के बोली राजपाट को फिकर नहीं राजी हो भगवान दियो राजपाट को फिकर नहीं हम राजी हो भगवान दियो सुख आराम घणो ही भोजो दिल में धोखो नाय रहो सुख आराम घणो ही भोग मेरा दिल में धोखो नाय रहो उस बात का कोई धोखा नहीं था राजपाट दौलत का लेकिन सबसे मोटा दुख एक ही बात का होगा कौन सी बात का शायर नीरज छुड़का मारो रे ओ शायर नीरज छुड़का मारो आजकल जो बैठ गयो छाती भरे आपरे आंचल नैन भरे रोवे हियो छाती भरे आपरे आंचल नैन भरे रोवे हियो एक दिल में तुम्हारे ऐसी आवर खुश मरू मैं चरकणी मैं मलियागिरी बन बन भटकूं हे करतार के आन बनी हाँ तो सदनो रानी मलियागिरी रोती रोती वहां से रवाना हो जाती है राजा नदी में बह जाता है नदी की तीर पर पुत्रों का पालना रह जाता है अब रानी रोती रोती एक नगर के पास में पहुंच जाती है नगरी का नाम क्या था धौलगढ़ धौलगढ़ नगर के पास में पहुंच गई रोती है रुधन मचाती है क्या भगवान की माया होती है रानी मलियागिरी किस प्रकार रोती रोती रुधन मचाती हुई एक नगरी के पास में चली जाती है तो बताया कवि ने हे भगवान तेरी माया को हे भगवान तेरी माया को यो
भेद समझ ना पायो है, हे भगवान तेरी माया कोयो। भेद समझ ना पायो है, पति पुत्र से अलग करी मन कैसो दुख भुगतायो है। पति पुत्र से अलग करी मन कैसो दुख भुगतायो है। तो रानी इस प्रकार रो रही जंगल में धौलगढ़ नगरी के पास में, तो उसी वक्त क्या भगवान की माया हुई। बोर हुआ एक मिट्टी लेन को, बोर का मतलब यानी सुबह का वक्त है, थोड़ा थोड़ा। बोर हुआ एक मिट्टी लेन को, एक प्रजापत चल दायो है। बोर हुआ एक मिट्टी लेन को, प्रजापत चल दायो है। देख चंद्र स्वरूप रानी को, भाव्य पास में आयो है। देख चंद्र स्वरूप रानी को, भाग पास में आयो है। प्रजापति एक कुमार जिसको कहते हैं, आया रानी के पास में, बोले देवी तू कौन है, क्यों रोती है। रानी रोती रोती बोली, भाई साहब तकदीर में रोना लिखा है, क्या हुआ। पति नदी में बह गया, पुत्र नदी की तीर पर रह गए, और मैं रोती बिलकती यहाँ पर आ गई। प्रजापति मन में सोचा, भगवान बहुत बड़ा दुख दिया, हे देवी तेरा पति नदी में बह गया तो वो तो मर लिया होगा, मगर जो तेरे पुत्र नदी की तीर पर रह गए उनका मैं जरूर पता लगा दूंगा, लेकिन तुमने यह कह तू आई किधर से है। रानी रोती रोती बोली, भाई साहब मैंने यो भी मालूम करना है मैं कहां से कहां आ गई हूं। अरे बावली तेरे यो ही पता को ना, तो भाई मैं तेरे पुत्र का भी पता लगाऊं तो कैसे लगाऊं। रानी रोती है, रुदन मचाती है, प्रजापति उसको समझाता है। तो बताया, प्रजापत समझायो है उसको, बहन बनाए धर्म की अपने घर पर लायो है। उसको बहन बनाए धर्म की अपने घर पर लायो है। कुम्हारे के घर दिन गुजरावे, ओ कुमारे के घर दिन गुजरावे, नर्द बजाई दोई जनी। मैं मलिया गरी बन बन भटका, हे करतार के आन बनी। मैं मलिया गरी बन बन भटका, हे करतार के आन बनी। मैं मलिया गरी बन बन भटका, हे करतार। तो सदन इस प्रकार कुम्हार उसको धर्म की भेंट बना करके अपने घर ले जाता है। राजा नदी में बहता बहता एक नगर के पास में तालाब था, उस तालाब के अंदर पट भाई चला जाता है बह करके। अब बेहोश होकर के राजा पड़ा हुआ, धोबी धोबना आए कपड़े धोने के लिए। राजा चंद को देखा, मन में विचार किया, हे भगवान इंसानी व्यक्ति जिंदा है या मर लिया। तुरंत राजा चंद को बाहर निकाला, घड़ी दोगड़ी बाद में राजा चंद को होश आया। राजा चौत्र पर देखता है, रोता है, कहता है, भगवान तेरी कैसी लीला है, कहां मेरी रानी, कहां मेरे पुत्र, कहां मैं। धोबी धोबण समझ जाते हैं कि है कहीं ना कहीं का राजा, सकल से सूरज से भी मालूम चल गया। राजा जी आप हमारे घर चले। भाई तुम कौन हो, कि जाति से तुम धोबी हैं। ना ना भाई मैं धोबी का दाना नहीं खाऊंगा। तो बोला, महाराज हमारा दाना आप नहीं खाओगे, आप नहीं खा सकते, तो कोई मेहनत मजदूरी का तो खा सकते हो। राजा चंद राजी हो गया, मजदूरी करके खा लूंगा, उसमें कोई डर नहीं है। तो राजा को धोबी धोबण नगर में ले जाते हैं। तो राजा क्या मजदूरी करता है, नगरी के पशु चराई, पशु यानी भैंस बाटा चरावे, सुबह शाम दो वक्त की रोटी खाए, दो वक्त की रोटी खाए, टाइम पास करे। उधर रानी धौलगढ़ नगर में प्रजापति की भेंट बनकर के रह रही। उधर सायर नीर का पादना नदी की तीर पर रह गया था। तो मेरे सदन एक चंपापुर नगरी का राजा था जिसका नाम था धर्मपाल, रानी का नाम था किनकावती। वो भी बड़े सत्यवादी थे, परंतु वो संतानहीन थे। तो राजा धर्मपाल मन में विचार लगाया, भगवान मेरा संतान तो है नहीं, मेरा राजपाल धनौत का वाली वारस कौन होगा। तो राजा उदास होकर के शिकार खेलने के लिए रवाना हो गया। शिकार ढूंढता ढूंढता उसी नदी की तीर पर आ गया जहां पुत्रों का पालना पड़ा हुआ था। राजा धर्मपाल देखा, भगवान ये पुत्र किसके हो सकते हैं। तीन आवाज लगाता, भाई इन बच्चों के माँ बाप कौन, इनको आकर के उठाओ। तो तीन आवाज के चाहे तीन आवाज क्यों ना दे, बच्चों का संगी साथी कोई भी नहीं बना। राजा धर्मपाल राजी हो गया, भगवान मैं समझ गया हूँ ये पुत्र कहीं ना कहीं से इस नदी में मेरे लिए बहा करके भेजे हैं।
राजा राजी हो गया, पुत्रों का पालना उठाया, चंपापुर नगरी में चला गया। दोनों बच्चों का नाम राजा ले जाकर के क्या रखता है, शायर और नीर। लेकिन शायर नीर नाम तो राजा चंद के ही पास में था। अब राजा धर्मपाल तो अपने मन से ही नाम निकालता है कि गंगा के तीर पर पुत्र मिले हैं, तो बड़े पुत्र का तो नाम निकाल लिया गंगा बख्श कि गंगा माई बख्शी पुत्र, और छोटे पुत्र का नाम निकाल लिया राम अवतार। तो गंगा बख्श राम अवतार के नाम से राजा धर्मपाल उन दोनों बच्चों का पालन पोषण करता है। तो कितने वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, चारों प्राणी अलग अलग बिछट रहे। शायर नीर गंगा बख्श राम अवतार के नाम से राजा धर्मपाल की नगरी में जवान हो जाते हैं। अब उधर 33 करोड़ देवता भगवान विष्णु को कहते हैं कि भगवान राजा चंद मरवे मर जाएगा, सत्य को नहीं छोड़ेगा, चारों प्राणी अलग अलग बिछट रहे हैं, उनको एक जगह करो। भगवान विष्णु बोले भाई थोड़ा सा सत्य बाकी और भी है। अब धौलगढ़ नगर में रानी मलयागिरी कुमार की बहन बनकर के रहती थी, उसी नगर में एक बिणजारा आता है। बिणजारो बड़ो गजब को मेरो यार, तो क्या बताया कभी नहीं। बिणजारा बड़ा गजब का कि देश विदेश में आर तुम्हारी करोड़पतियां सु काम है, बालद में मेवा भर ले पिस्ता दाख बिदा। पहले का जमाना में बिणजारा जाति पिस्ता दाख बिदाम मिश्री ऐसी चीज बेचा करते थे, आप तो लून नमक बेचते हैं, कहते हैं इनको भी बाबा रामदेव का श्राप लगा हुआ है। इस प्रकार तो पहले का जमाना में पिस्ता दाख बिदाम बेचते थे। अब बिणजारा बड़ा गजब का, बिणजारो मोटो व्यापारी बड़ी गजब तकदीर, बंबई मद्रास मालवा कलकत्ता कश्मीर, मगर दाना पानी काहो सिर पूछा धोल ग्राम उसी धोलगढ़ नगर में पहुंच जाता है। कौन बिणजारा? पहले का जमाना की वार्ता की नगरी में बिणजारो चले जाते, झांका राजा होता हुक्म दे दिया करता किसको, कुम्हार जाति को, तो पानी भरने का काम सौंप देते थे। तो मेरे सदनों धौलगढ़ नगर में बिणजारा गया, धौलगढ़ का जो राजा था उसको पता पड़ा कि बिणजारा आया हुआ है। तो मेरे सदनों उसी कुम्हार को बुला करके राजा हुक्म दिया, जिसके पास में रानी मलयागिरी रहती थी, नंद नाम का प्रजापति बड़ा दयालु था, उसको राजा बुला करके कहता है प्रजापति जी बिणजारा की बाड़ में पानी भरने का काम तुमको सौंपता हूँ। ठीक है महाराज। कुमार कुमारी हाथ में मटकी लेकर के बिणजारा की बाड़ में पानी भरने के लिए जाते हैं, जा रहे। उस समय रानी मलयागिरी कहती है भाई साहब मैं भी तुम्हारा थोड़ा दुख बटवाऊंगी। प्रजापत बोला बहन तू तो घर का धंधा कर लेना। नहीं नहीं भाई साहब घर का धंधा भी हो जाएगा। तो रानी मलयागिरी भी साथ में रवाना हो जाती है। उस समय मेरे सदनों डेरा में जल भरवाता ही आया नंद कुमार, नंद की घरवाली के सागे आगे वह मलयागिरी भी ना। तो देखा नजर पसार बिणजारा, धोखा किया गुलाम बिणजारा बैठा तंबू के भीतर। रानी पर नजर पड़ी, मन में विचार लगा अति सुंदर स्त्री कौन है भाई। तो मेरे सदनों रानी मलयागिरी का रूप को देख करके बिणजारा मन में पापी पाप कर लेता है। कुमारी को कहता है भाई तुम्हारे पास में जो पानी भरवा रही स्त्री कौन है। कुमारी हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारे कुल में नहीं है। तो किस कुल में है? ये कोई छत्री कुल में है और ये काफी दिनों से हमारे पास में ही रहती है। तो मेरे सदनों भगवान के माया का पार किसी को नहीं पाया। रानी दुख के दिन गुजारती थी, कुम्हार की धर्म की बहन बनकर के रहती थी, लेकिन अब रानी की जान को घोर हुआ कैसे वार कैसे चारों प्राणी एक जगह होते हैं। ओ प्रभु जी प्रभु जी ओ प्रभु जी तेरी माया को भेद किसी को नहीं पावे। प्रभु जी तेरी माया को भेद कोई नहीं पावे। प्रभु जी तेरी माया को भेद किसी को नहीं पावे।
इस प्रकार मेरे सगनों क्या बताया, रानी का रूप को देख करके बिंजारा मन में पापी पाप करता है तो क्या बताया। रूप देख कर अकल उपाई, रूप देख कर अकल उपाई, नंद की घरवाली से बात चलाई, ए जी नंद की घरवाली से बात चलाई। के बोलियो ओ बिड़जारी बीमार बताई, आ बिड़जारी बीमार बताई, अरे कोई रोटी करता आवे प्रभु जी तेरी माया को भेद कोई नहीं पावे। रानी का रूप को देख करके बिंदार मन में पापी पाप कर लेता है। कुमारी से कहता है, भाई तुमने मेरी बाल्द में पानी भर दिया, तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है, तुमने मेरी बाल्द में भाई पानी भर दिया तो मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है। कुमारी बोली, जी आपके ऊपर कोई एहसान नहीं, राजा की आज्ञा के अनुसार हमने पानी भरने का काम किया है, फिर आपके ऊपर एहसान का आएगा। यदि आपकी इजाजत से कोई काम करते तब तो भाई एहसान भी होता, राजा की आज्ञा हमें मिली, पानी भरने का काम कर दिया, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं। बिंजारा कहता है, तो भाई एक बात का एहसान कर दो। वो क्या? पानी भरने का काम तो राजा की आज्ञा से किया है, लेकिन एक मेरी आज्ञा से मेरा काम करो, मेरी बिंजारी बीमार है, मैं खाना खाता हूं तो स्त्री का हाथ का ही खाता हूं। रानी का रूप को देख करके पापी मन में पाप कर लिया और बात को घुमा फिरा करके कह रहा, तो भाई तुम्हारे दोनों में से एक दिन यहां ठहर करके मेरी दो एक रोटी बना दे तो कोई बुरी बात है कोई नहीं। स्पष्ट ये तो कह नहीं सकता, इसकी स्पष्ट ये तो कह नहीं सकता कि इस रानी को मेरे पास में छोड़ जाओ, यह बात तो कही गई कोने, कह भी नहीं सकता, बात में घुमा फिरा रहा। तो मेरे सदनों, कुमारी बोली, ना ना महाराज, घर में काम काज को ज्यादा है, घर का धंधा करना पड़ेगा। अब तो धन दौलत का लालच दिया। क्या बोलिया? अरे बावड़ी, मेरी बात समझने की कोशिश कर, ऐसा आराम की जिंदगी बितावेगी, वरना सारी उम्र आई पानी भरती भरती जिंदगी बीत जाएगी, पानी भरते भरते जिंदगी बीत जाएगी। बावली, मेरी बात समझने की कोशिश कर ले, इस रानी को मेरे पास में छोड़ दे। लालच बुरा होता है भाई, कोई बात को ना। कुमारी बोली, लालच में आ गई। अब सदनों, रानी मलियागरी वो बात सुन लेती है, सिर्फ यही बात सुनी रानी तो, कि भाई मेरी बिंजारी बीमार है, तुम्हारे दोनों में से मेरी दो एक रोटी बना दे तो कोई बुरी बात हो जाए। इतने सी बात सुनते ही रानी मलियागिरी दूर से बोली, भूखे को भोजन प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म होता है। रानी कहने लग जाते हैं कुमारी से, हे भौजाई, तुम घर जाओ, मैं इसकी रोटी बना करके घर वापस आ जाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, कुमार कुमारी घर चले जाते हैं, रानी वहां रह जाती। अब मेरे सदनों, वो काय की रोटी बनवाता था, उसके मन में तो पाप था, तो क्या बताया। उसी समय रानी को रथ में बैठाई, रानी को रथ में बैठाई, पकड़ हाथ रानी का, पकड़ हाथ रानी का, रथ में बैठा लेता है। अब रानी रोती है, रुदन मचाती है। तो सदनों, बताया कवि ने कि रागनी रागनी होती है। भगवान श्री राम जय राम, रथ में बैठाई, अब रानी रो रो रुदन मचाई, रानी रो रो रुदन मचाई। बिंजारा नहीं मानता है तो बताया, अरे ढोल नगर से बाल बिठाई,
भेद कोई नहीं पावे, प्रभु जी तेरी माया तो भेद किसी को नहीं पावे। पकड़ हाथ रानी का, रथ में बैठा लेता है। रानी रोती है, रुदन मचाती है, बिंदारा नहीं मानता है। उजाड़ जंगल में जार तंबू लगा लेता है। रात रात का विश्राम तो शांति से कर लिया, अब सदन उधर सुबह का वक्त होते फिर बिंदारा तंबू डेरे उठाता है, कौन सी नगरी में जाकर के फिर तंबू लगाता है। चंपापुर में तंबू ताना, चंपापुर में तंबू ताना, उसी चंपापुर नगर में पहुंच गया जहां पर शायर और नीर राजा धर्मपाल के पुत्र बनकर के जवान हो गए थे, जिनका नाम गंगा बक्श राम अवतार था। चंपापुर में तंबू ताना, सोच लिया हो गया मन जाना, सोच लिया हो गया मन जाना, तो तंबू लगाए नगर में। अब खुद सज धज करके राजा धर्मपाल के दरबार में जाता है। तो राजा धर्मपाल चंपापुर नगरी का रहने वाला, बिंदारा का धर्म का भाई बना हुआ था। बिंदारा राजी होगा कि यात्रा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो राजा के पास में काफी दिनों से बिंदारा गया था, तो राजा देखते ही बिंदारा को पहचानता कि मेरा धर्म का भाई है। राजा धर्मपाल खिंचाए, राजा धर्मपाल खिंचाए, माया को भेद कोई नहीं पावे, प्रभु जी तेरी माया को। ओ आ जी आ, ओ ओ ओ ओ रे 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 रे, प्रभु जी तेरी माया। इस प्रकार मेरे सजनों, उसी चंपापुर नगर में चला जाता है राजा धर्मपाल। देखते ही बिंदारा को पहचान जाता है कि मेरा धर्म का भाई है। आदर सम्मान दिया, बड़े इज्जत के, बड़ी इज्जत के साथ सत्कार करके बरोबर बैठा है सिंहासन पर, क्योंकि धर्म का भाई बना हुआ था। राजा बोला, बिंदारा बोल तेरी क्या खातरदारी करी। खातरदारी की बात तो ऐसी है, बिंदारा बोले, महाराज आपका और मेरा कोई अलग नहीं है, धर्म दिया है, धर्म के भाई हैं। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है। वो क्या? कि आज की रात मेरी बालक का पहरा तुम्हारे नौकरों से लगवा दिया जाए। राजा धर्मपाल बोला, रे बिंदारा तेरी बालक का पहरा नौकरों से लगवा दिया जाए, क्यों तेरे मन में ऐसा डर क्या है? अब यह बात तो कही गई नहीं कि भाई मेरे पास में परा स्त्री है, यह बात तो कह भी नहीं सकती। बोला, जी डर की बात नहीं है, केवल मेरी इच्छा की बात है। राजा बोला, बिंदारा तू मेरा धर्म का भाई है, यदि यदि इच्छा ही से तो पैरा लगवाना चाहता है तो तेरी बालद का पैरा और नौकरों से क्या लगवाऊंगा, आखिर तू मेरा धर्म का भाई है। जा, मैं तेरी बालद का पैरा मैं मेरे पुत्रों से ही लगवा देता हूं। तो राजा धर्मपाल के पुत्र कौन? गंगा बक्श राम अवतार, जो शायर और नीर थे। शाम का वक्त होते राजा उनको हुक्म दिया, पुत्र तुम्हें मेरी आज्ञा है। कहो पिताजी क्या आज्ञा है? बिंदारा मेरा धर्म का भाई है, इसको मैं जबान दे चुका हूं, इसकी बालद का पहरा तुमको लगाना पड़ेगा। इसकी बालद का पहरा तुमको लगाना पड़ेगा। दोनों पुत्र कहते हैं, पिताजी राग हुई जम राम बसे, ध्यान हुई धरनी धर का। रागनी वही होती है जिसमें दीन बंधु दीनानाथ का नाम होना चाहिए। राग हुई जम राम बसे, ध्यान वही धरनी धर का, त्रिया वही पति संग चले। जले नहीं साथ में चलती है, वही पतिव्रता नारी होती है। त्रिया वही पति संग चले, पुत्र वही जो पिता के कहे का। सुख के मित्र हजार बसे, मगर सच्चा मित्र वही होता है जो एक विपता पड़ेगा। आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, आपने हमें आज्ञा दी है, बात का पालन करना हमारा धर्म है।
तो दोनों पुत्र तलवार हाथ में लेकर के बिणजारा की बाड़ में चले जाते हैं। उधर बिणजारा और बिणजारी अलग तमू में सो रहे, अलग तमू के भीतर रानी मलियागिरी सो रही। आधी रात का वक्त हुआ, बिणजारा खड़ा होता है, एक हाथ में मद की बोतल, एक हाथ में चौपड़ पासा लिया, रानी के पास में तम्बू में आया। ए रानी मलियागिरी खड़ी हो। तुरंत रानी खड़ी हो जाती है, क्या बात है बिणजारा? तो मन में मगन होकर के रानी मलियागिरी से बिणजारा क्या कहने लग जाता है। तो बिणजारा रानी को बोलिया, बहुत भारी दुख सहा, ओ बहुत भारी दुख सहा, सुख होगी तू छड़ी, तू प्यारी में पीव थारो जीव की राखू जड़ी। आज बाद तू मेरी भाई तू मेरी बिणजारी है, रानी नहीं तू मेरी बिणजारी है, मैं तेरा बिणजारा हूं। या बात कही रानी मलियागिरी के तन बदन में तीर चुभा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बिणजारा जीव की जड़ी रखना चाहता है, तेरी बिणजारी को रख, मैं पतिव्रता नारी हूं, तेरा मेरा जोड़ा नहीं है। अरे भगवान दुख दिया है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। और तू मेरे को धोखा देकर के कुमार के घर में रहती थी, वहां से तू मेरे को धोखा देकर के लाया है। तू तेरा मन में यह बात मना विचार लीजिए कि भाई अब तो मैं कहूंगा वैसा ही या कर लेगी, नहीं अभी तू मेरे को सीख दे। सीख का मतलब यानी जाने के लिए कह दे, भगवान ले जाएगा मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तेरी बरोबर नहीं बैठूंगी। जीव की राखो तेरी, जीव की राखो तेरी तो सीख अब की दीजिए, सोच समझ कर बोल पापी काय दासरी जी। भाई तू तेरी औकात में रह, तेरा मेरा जोड़ा नहीं है। तो मेरे सदनों बिणजारा मन में मगन होकर के बोलिया, भाई तेरा मेरा जोड़ा नहीं है, लेकिन जोड़ा तो करना ही पड़ेगा। यह बात कही रानी मलियागिरी रोती है, कहती है परम पिता परमात्मा दीन बंधु दीननाथ, यदि मैं अगर बिणजारा को मद की बोतल हाथ में लेकर के मद का प्याला पिलाऊं, मेरा पतिव्रता नारी का सत्य के दाग लग जाए। तो मेरे सदनों उधर रानी के ही पुत्र सायर और नीर जवान हो गए थे राजा के पुत्र बनकर के, कहां चंपापुर नगरी में, जिनका नाम भी बदल दिया गया था, सायर और नीर की जगह गंगा बक्स राम अवतार नाम रख लिया गया था। तो आत्मा एक आत्मा होती है सर, अपनी मां को पहचान नहीं सकते, ना मां पुत्रों को पहचान सकती, लेकिन तभी तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग की भाई आत्मा सो परमात्मा। मां की पुकार सुनते हैं तंबू के भीतर रानी मलियागिरी रो रही, तंबू के भीतर रानी मलियागिरी रो रही। अब गंगा बक्स राम अवतार तंबू के बाहर खड़े हैं दोनों भाई, और मेरे सदनों उनकी रोनी की पुकार सुनते हैं। हे भगवान दीन बंधु दीननाथ, राजपाट धन दौलत पति पुत्र तूने सब कुछ लूट लिया, हमारे पास में क्या रहा? कुछ भी नहीं। मेरे पास में क्या रहा? कुछ भी नहीं है, सत्य धर्म। यदि यह भी लूट जाएगा तो मैं संसार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो। रूस गया कर तार वाराणी, रूस गया कर तार वाराणी, रोवे तंबू माई, कौन छुड़ावे आए के मुझे इस दुष्टि से गाय। हे भगवान मैं गऊ के समान, ये पापी दुष्टि नहीं राक्षस के समान, मेरी लाज इसके हाथों से कौन बचाएगा? ओ मेरे सदनों दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, भाई कोई दुखियारी स्त्री
तो अपनी ही मां को पराई स्त्री समझ करके क्या कहने लग जाते हैं तंबू के बाहर खड़े खड़े। दुखियारी तंबू में, दुखियारी तंबू में आती रात, दुखियारी तंबू में आती रात कैसे पुरलावे, दुखियारी तंबू में आती रात कैसे पुरलावे। उन दोनों की आवाज सुनकर के रानी तंबू के भीतर से जवाब दिया के बोली, होगी बेमर्दी दीना नाथ की, ओ होगी बेमर्दी दीना नाथ की, कुण लाज बचावे रे दुखियारी तंबू में आती रात वारु धन बचावे, दुखियारी तंबू में आती रात रो रो पुरलावे। दुखियारी तंबू में आती रात वारु धन नचावे। तो मेरे सजनों, अब दोनों पुत्र अपनी ही मां को क्या कहते हैं, तू दुखियारी तंबू के माही कैसे करे विलाप, दुखियारी विलाप का मतलब यानी बिलक बिलक करके रोती है, तू दुखियारी तंबू के माई कैसे करे विलाप, यो बिन जारो बेरी काई तने कैसे है, क्यों तने देवे ये शराप, साची फरमावे दुखियारी तंबू में आती रात वारु धन मचावे। तो सदरों, अपनी ही मां को पराई स्त्री समझ करके दोनों पुत्र पूछते हैं, हे दुखियारी तंबू के माई कैसे करे विलाप, यो बिनजारो काई तने कैसे, क्यों तने देवे है शराब, तू बार बार कह रही भाई मद की बोतल का हाथ नहीं लगा सकती, पतिव्रता स्त्री हूं, यदि तू इस बिनजारा की बिनजारी नहीं है तो कौन है भाई, किस कुल में है, हमें साफ साफ क्यों नहीं बताती। रानी मलियागिरी उन दोनों की ऐसी बात सुनती है
झपट्टा मारती है, तंबू के बाहर निकल जाती है। तंबू के बाहर निकल गई, दोनों के शकल को देख करके रानी मलयागिरी रोती रोती कहने लग जाती है, भाई साहब एक दिन मेरा वो समय था। क्या समय? तो क्या कहने लग जाती है, लोयन गड की लोयन गड की मैं थी महारानी, लोयन गड की मैं थी महारानी, अब रूस गया रे कर तारे, लोयन गड की मैं थी महारानी, रूस गया रे कर तारे, सायर नीरे ओ पुत्र तेरे मेरे रे, सायर नीरे ओ नीर, सायर नीरे पुत्र तेरे मेरे, ओ चंद दशरे बरकारी राजा, चंद होनी ले जावे रे दुखियारी तमू में आतिरा रुधन मचावे, दुखियारी तमू में आतिरा रो रो पुरलावे, दुखियारी तमू में आती रात रो रो पुरलावे, इस प्रकार मेरे सदनों रानी कहने लग जाती है, भाई एक दिन मेरा वो समय था, लोहिन गढ़ की मैं महारानी अब रूस गया करतार, सायर नीर पुत्र थे मेरे राजा चंद जैसा भरतार, पर यह होनी ले जाओ। कहते हैं होन हार बलवान है टले किसी से ना, होनी होकर मान की दोष किसी का ना, होनी वैरण होकर के रह जाती है। तो भाई इस प्रकार पति नदी में बह गया, पुत्र नदी के तीर पर रह गए, मैं कुमार के घर चली गई थी, धर्म की बहन बनकर टाइम पास किया करती थी, वहां से बिणजारा मेरे को धोखा देकर के लाया है। बिणजारा तंबू के बाहर आया, पीछे से बोलिया, अरे बिणजारा की बिणजारी होकर के गैर मर्दू से बात कर रही, शर्म नहीं आ रही, भीतर चलती है या नहीं? तो मेरे सदनों उधर रानी मलयागिरी रोती रोती कहती है, भाई साहबों मैं इस बिणजारा की बिणजारी नहीं हूं, ये पापी झूठ बोल रहा है। तो मेरे सदनों अब दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, है चाहे कोई भी लेकिन है छत्री कुल, कुल का सवाल आ गया, कुल से भी कोई मतलब नहीं होता है। मतलब क्या है कि भाई मतलब इंसानियती से, इंसान आदमी वही होता है जो भाई दुखिया स्त्री या पुरुष उसकी थोड़ी मदद करे। तो दोनों की आत्मा में दया उत्पन्न हो गई, मान से तलवार खींची और क्या बिणजारा से कहते हैं, रे बिणजारा रे बिणजारा दुष्टि तू तो रे बिणजारा दुष्टि तू तो रे, ओ फूल के लगा रहो दागे, ले तलवार झपट पर नूरे, ले तलवार ओ जी, ले तलवार झपट पर दुखियारी तंबू में आती रात वारु धन मचावे।
दुखियारी तंगों में आती रात रो रो पुरलावे। सदनों तलवार में आंसर निकालते हैं, कहते हैं बिनजारा दुष्टि अन्यायी, हम समझ गए हैं कि तू पापी पराय स्त्री को दुख दे रहा है। बिनजारा दौड़ गया राजा धर्मपाल के पास में, रंग महल में पहुंच गया। भोर का टाइम हो गया था, सुबह का वक्त यानी। राजा धर्मपाल देखा बिनजारा को, बिनजारा घबरा रहा। अरे बिनजारा बात क्या भाई? राजा धर्मपाल को बिनजारा हाथ जोड़ करके बोला, अरे राजा धर्मपाल वह पैरैत भेजा है मेरी जान ने सूल। राजा बोला क्या हुआ? कि बिनजारा बिनजारी के बीच में तेरे पुत्रों का काम क्या बोलने का? राजा धर्मपाल क्रोधित हो जाता है, मन में विचार करता है कि वाक्य में आज उन दोनों ने गलती की है। बिनजारा को राजा बोला, बिनजारा तो मेरा धर्म का भाई है, उन दोनों को आने दे, तू कहेगा वही सजा मैं उनको दूंगा। बिनजारा राजी हो जाता है। अब उधर रानी मलयागिरी रो रही थी, दोनों पुत्र समझाते हैं। तो सदनों बड़ी ध्यान देने वाली बात है, बिनजारा कौन था? राजा धर्मपाल का धर्म का भाई था। लेकिन रानी मलयागिरी कौन थी? रानी मलयागिरी राजा धर्मपाल की सगी बहन थी। लेकिन रानी को पता नहीं रहा कि चंपापुर नगर तेरा पीर है। लेकिन सदनों बड़ी ध्यान देने वाली बात है, क्या? जबकि राजा चंद्रराज पाठ धनदौलत साधु को देकर के चारों प्राणी चले गए थे, उस समय राजा धर्मपाल को भी खबर पड़ गई थी कि भाई तेरा बहनी हूँ राजा चंद, तेरी बहन मलयागिरी जिसके गर्भ से दो दो बच्चे जन्म लिए हैं। उधर राजा सब कुछ साधु के वचनों में आकर के साधु को देकर के चला गया है। तो उन चारों का राजा धर्मपाल पता लगाया, लेकिन कहीं उनका पता ही नहीं पड़ा। लेकिन जब भी कोई बार त्योहार आता था तो राजा धर्मपाल की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। क्यों? बहन की याद में भाई अपने आंखों में आंसू भर लिया करता था बहन को याद करके। तो सदनों गंगा बक्स राम अवतार अपने पिता को पूछ लिया करते थे, पिताजी तुम्हारी आत्मा बड़ी दुखी हो जाती है हर त्योहार पर, इसका कारण क्या है? राजा धर्मपाल उन दोनों को एक बात कहा हुआ था कि भाई हर बार त्योहार पर तुम मेरी आंखों में आंसू देखते हो, इसका कारण है। क्या कारण है पिताजी? कि लोहिनगढ़ नगरी का राजा चंद मेरा बहनी हूं, मेरी बहन मलयागिरी जिसके गर्भ से दो दो पुत्र जन्म लिए हैं, वो चारों प्राणी साधु को राजपाट दौलत देकर के ना जाने कहां चले गए। इस प्रकार बहन की याद में भाई की आंखों में आंसू आई जाते हैं। उधर रानी क्या कही कि लोहिनगढ़ नगरी की मैथी महारानी रूस गया करतार, सायर नीर पुत्र थे मेरे राजा चंद जैसा भरतार। अब दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, क्या कहिए मलयागिरी हुई तो नहीं है, अपना पिता भी यही कहता था। तो दोनों पुत्र कहते हैं एक बात का जवाब दे भाई, वो क्या? अब रोना धोना बंद कर, हमें तू ये कह कि भगवान रूस गया, तुमने चारों प्राणी को अलग अलग बिछड़ा दिया, बिछट गए तुम, लेकिन तू इतना सा कह दे तेरा पीर कहां है, तेरा भाई का नाम क्या है? रानी कहने लग जाती है, भाई मेरा भाई का नाम है, क्या नाम? कि चंपापुर नगरी का रहने वाला धर्मपाल नाम का मेरा भाई है। ऐसी बात कही कहते दोनों पुत्र आंखों में आंसू भर लेते हैं। क्यों? कि भाई अखी गत में हमारे पिता की बहन है, पिताजी की बहन है, तो भाई पिता की बहन हमारी क्या हुई? बुआ जी। तो अपनी ही माँ को बुआ समझ करके, अपनी ही माँ को बुआ समझ करके दोनों पुत्र क्या कहते हैं? भाई इस नगरी को गौर से देखे, चंपापुर नगर तेरा पीर है। प्राणी चौत्रबा देखते विचार करते हैं, तो भाई चंपापुर नगर जैसा ही, चंपापुर नगर जैसा नहीं है ही चंपापुर नगर। तो बोले भाई साहब तुम कौन हो? कि हम तेरे भाई धर्मपाल के ही पुत्र हैं। रानी मन में विचार करती है, मेरे भाई धर्मपाल के पुत्र कहां से आ गए? वो संतानहीन था, कभी उसके संतान नहीं होती थी, आज दो दो पुत्र कहां से आए? तो मेरे सदनों फिर रानी मन में विचार करे कि भगवान की उल्टी माया है, रोने वाले को हंसा देता है, हंसाने वाले को रुला देता है। तो रानी उन्हें दोनों को कहती है, ठीक है भाई, तो अपनी ही मां को बुआ समझ करके महल में लाते हैं। तो क्या बताया? भुआ समय जी महल में ला रहे, भुआ समय जी महल में ला रहे, ओ सुनियो लगाई। तो अपनी मां को बुआ समझ करके महल में ले जा रहे,
दोनों पुत्र जल्दी दौड़ते हैं कि भाई पिता को जाकर के खबर देंगे। उधर राजा तो उनके ऊपर क्रोध में हो रहा। दोनों पुत्र महल में गए, राजा का क्रोध को देखा, लाल नेत्र विकराल बाल बुरे हाल करके राजा धर्मपाल खड़ा। क्या बात है पिताजी इतना क्रोध? राजा बोला, पुत्र तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, भिड़जारा भिड़जारी के बीच में तुम्हारा बोलने का मतलब क्या? दोनों पुत्र कहते, पिताजी हमने कोई गलत काम नहीं किया, आज हम तो अपने कुल की लाज बचाई है। राजा बोला, कैसी लाज, कैसा कुल, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। जीपला रानी मलियागिरी भी दरवाजे में पैर धरती है। दोनों पुत्र कहते हैं, पिताजी दरवाजे की तरफ देखो, ये कौन है? दरवाजे की तरफ देखो ये कौन है? तो राजा तो अपनी बहन के याद में पहले ही रोता था। राजा देखता है दरवाजे की तरफ, बहन मलियागिरी नजर आती है। बहन भाई को देखती है, बहन भी सामने दौड़ती है रोती हुई, भाई भी सामने दौड़ता है। तो बताया, बहन भाई रे गले मिले रो लागे रे, बहन भाई ओ दी, बहन भाई रे गले मिले रो लागे, ओ दुख न दियो रे बताई, ओ दुख न दियो रे बताई। राजेंद्र गावे दुखियारी दम्बू में आती रात, रो रो पुरलावे दुखियारी महलू के भीतर जाए, वारुदन मचावे। तो बहन भाई गले मिलकर के रोते हैं, बहन रुदन मचाती है। तो बताया, ओ भैया इस प्रकार मेरे सदनों बहन भाई मिल जाते हैं, बहन भाई मिल जाते हैं। अब राजा धर्मपाल अपने बहन को पूछ रहा, बहन तू और भिंडारा की साथ में मिल जा रो, मन में सोचो ले मेरा यार तो आखिर दिन आ गया। राजा के चरणों में गिर गया भिंडारा को। राजा बोला, भिंडारा तू तो उसको भिंडारी बता रहा था, महाराज मुझे क्षमा करो। रानी मलियागिरी के चरणों में भिंडारा पढ़ करके रोता रोता कहता है, बहन ये मेरी जीवन डोरी तेरे हाथ में है, मुझे जीवन दान दे। अच्छा आदमी वही होता है सदनों जिसकी आत्मा में दया हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो मेरे सदनों रानी कहती है, भाई साहब इसको छोड़ दिया जाए। राजा बोला, चला जा मेरी नजर से दूर। भिंडारा दौड़ गया, बहन भाई मिल गई। राजा धर्मपाल बोला, बहन राजा चंद कहां गया यार, मैंने सुना तेरे पुत्र भी थे वो कहां गए? कि भाई एक गंगा मातेश्वरी नदी में हरी बैरन बन गई, पुत्र नदी में, पुत्र तो नदी के तीर पर रह गए, नदी में राजा बह गया। इस प्रकार हम चारों प्राणी अलग अलग बिछड़ गए। राजा मन में सोचा रहे, कहीं ये पुत्र वही तो नहीं है। लेकिन बात में घुमा करके राजा बोला, तो बहन मलियागिरी तेरे पुत्र तेरे सामने आ जाए तो क्या तू उनको पहचान सकती है? ऐसे तो मैं नहीं पहचान सकती भाई साहब, लेकिन मेरे पुत्र के सेनानी है। क्या? कि भाई बड़ा पुत्र उसके मुंह में तालवे तिल है जिसका नाम साहिर है, छोटा पुत्र नीर नाम को उसकी पीठ को काली से सेनानी है। राजा धर्मपाल उनको पास बुला करके दोनों के सेनानी देखता है, दोनों के सेनानी मिल जाते हैं। अब राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पुत्र कहते हैं, पिताजी बात क्या है, तुम रोते क्यों हो? राजा धर्मपाल बोले, भाई मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तुम्हारा मामा हूं। तुम्हारे सामने मेरी बहन मलियागिरी खड़ी खड़ी रो रही है ना, यही तुम्हारी माँ है। अब मेरे सदनों दोनों पुत्र अपनी माँ की तरफ देखते हैं, मन में विचार करते हैं, भगवान ये क्या, हमारी माँ ये कैसे हो सकती है? तो मेरे सदनों माँ के गले नहीं लगे पुत्र दौड़ करके। उस समय मेरे सदनों भगवान को देवता कहते हैं, 33 करोड़ दे देवता भगवान, इतनी कठोरता से सत्य के जमाइश मत करो, कोई माया फैलाओ, पुत्रों की आत्मा में विश्वास बंधाओ ताकि अपनी माँ के गले लग सके। अचानक माँ के अस्तनों से दूध की धार निकलती है, दोनों के मुंह में चली जाती है, दोनों दौड़ करके माँ के गले लग जाते हैं। तो माँ से पुत्र मिलता देख करके, माँ से पुत्र मिलता देख करके मेरे सदनों देवताओं की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों प्राणी मिल जाते हैं, लेकिन राजा चंद नहीं मिला। तो राजा चंद एक नगरी में पशु चराए टाइम पास करे।
एक दिन का जिक्र मेरे सदनों, वहां भैंस गाड़ाना आगे धर ले गए जंगल में, उजाड़ दिया बाण जंगल में ले गया। श्याम का वक्त हुआ, मैंने वापस मोड़िया तो बेरी भैंस पाटा वापस तो मोड़िया कोन्या और आ गई मुंडो करूंगा। अब सदनों एक आदमी आर कहवा लगो, भाई लोगो वो थारा पशु चरा बड़ो, वो जो भाई वो तुम्हारे पशु चराने वाला है ना, उन सबको आगे धर करके ले जा रहा है। लोग भागते हैं, देखते हैं तो राजा चंदू उनका पीछा ही कर रहा, पीछा क्यों कर रहा है कि भाई उनको वापस मोड़ रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई वाक्य में तो चोरी करके ले जा रहा था। राजा को पकड़ लेते हैं, मार पिटाई करते हैं और मेरे सदनों चंपापुर नगरी में राजा धर्मपाल की नगरी में पेश कर देते हैं। महाराज इसको ऐसी सजा दी जाए जो कभी जिंदगी में भूल नहीं सके। राजा धर्मपाल मन में सोचा, भाई पांच आदमी इस चोर को लाए हैं तो भाई पांच कैसे कर बंदे, दो दिन की जिंदगानी ढड़त ढड़त ढड़ जाए, जवानी जैसे ढड़े उसका, पांच की बात माननी पड़ती है। तो मेरे सदनों राजा धर्मपाल राजा चंद कोई अनजानी में जान नहीं सका, क्यों दाढ़ी भदरई लाल नेत्र विकराल बाल हो रहे, तन बदन से कपड़े फटे पुराने, पैरों में मोजड़ी भी नहीं, शरीर से बिल्कुल थका हुआ। तो राजा धर्मपाल अपने बहने राजा चंद को नहीं पहचान सका, उठा करके कैद में डाल दिया। तो उसी कैद में रानी यानी उसी कैद में राजा चंद पड़ा हुआ उसी दरबार में, और उसी दरबार के भीतर रानी मलियागिरी और पुत्र ऐसे आराम से रह रहे। तो क्या भगवान की लीला है। एक दिन का जिक्र मेरे सदनों, आधी रात का समय हुआ, राजा चंद रोता रोता क्या कहता है, भगवान दीनबंधु दीननाथ तेरी क्या माया है, एक दिन मेरा क्या समय था, क्या तकदीर थी, क्या दिनमान थे और आज क्या समय पलटा खाया है। तो राजा उस कैद में पड़ा पड़ा रो रहा, रात का वक्त था, आधी रात का समय था, रानी को पुत्रों को याद कर रहा, बीता समय को याद कर रहा और क्या कह रहा, रोता रोता कहता है भगवान कहां मेरी रानी, कहां मेरे पुत्र, कहां मैं हूं, कित रानी कित पुत्र हमारे, अरे कित अंजल ले जावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से, राजा चंद पछतावे से, राजा चंद पछतावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से। ओ मोरे राम राम सिया राम, गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से। कहां रानी, कहां पुत्र, कहां मैं हूं, तो एक दिन मेरा क्या समय, एक दिन रतन सिंहासन ऊपर बैठा चवर ढुलावे था, एक दिन रतन सिंहासन ऊपर बैठा चवर ढुलावे था, देशपति उमराय विलायत सब मुजरे पर आवे था, देशपति उमराय विलायत
बड़े बड़े नगरी के राजा मेरा हरदम उखम उठावे था। बड़े बड़े नगरी के वो भी समय था, आज भी समय है। आज तो पानी की बूंद गले में तरस रहा हूँ, रो रहा हूँ। और एक दिन मेरी पतिव्रता नारी रानी मलियागरी सेवा में ताबेदार रहा करती थी। मलियागरी के संग रंग में लोक बीच मनावे था। मलियागरी के संग रंग में तू त्रिलोकी नाथ बना कर चिन्ह में छाट उदावे से। उल्टी गत गोविंद दनी तेरी राजा तन पछतावे से। उल्टी गत गोविंद धनी तेरी ओ मोरे राम राम सिया राम। इस प्रकार मेरे सदनों राजा चंद्र रोता रोता ऐसी बात कहता है। अब रानी मलियागरी आपकी भौजाई किनकावती के पास में महल की अटारी में सो रही थी। रानी का कान में भनक पड़ी, भाई मेरा राजा चंद की आवाज कहां से आ रही है। रानी मलियागरी वहां से उठकर के रवाना होती है, कैद के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब सदनों कैद के सामने आकर के खड़ी हो गई। अब उधर राजा चंद कैद में पड़ा पड़ा रो रहा, एक बात और कह रहा। क्या बोलिया? कितना दुख दे रहा है मेरा साला होकर के मुझे पहचान नहीं सका। लून चबावे धान दड़ावे दोब खुदावे रोजीना। लून चबावे धान दड़ावे दोब खुदावे रोजीना। आधा सिर जमू का आटा बिन छण्योड़ा दे दीना। आधा सिर जमू का आटा बिन छण्योड़ा दे दीना। आज कहूं तो कौन मेरी माने। यदि मैं आज ये कहूं कि राजा चंद हूं तो कोई नहीं मान सकता। क्यों? आज कहूं तो कौन मेरी माने देश गरीबी धरती ना। ओ मोरे राम राम सिया राम। एक रोज यहां तोरण मार्यो मलियागरी संग ब्याह की ना। एक रोज यहां तोरण मार्यो मलियागरी संग ब्याह की ना। अब दिया कैद में घेर फेरी बत्ती सुमून चबावे से। उल्टी गत गोविंद दणी तेरी राजा जद पछतावे से। उल्टी गत गोविंद दणी तेरी ओ मोरे राम राम सिया राम। इस प्रकार मेरे सदनों रानी मलियागरी मन में विचार करती है, मेरा राजा चंद है, राजा चंद के अलावा ऐसी बात कोई नहीं कह सकता। रानी मलियागरी दौड़ती अपने भाई धर्मपाल के पास में जाती है। भाई साहब इस कैद में राजा चंद पड़ा हुआ है। क्या बात? राजा चंद पड़ा हुआ है? ये नहीं हो सकता बहन। नहीं नहीं भाई साहब, मैं सही कह रहे हूँ कि राजा चंद है। राजा धर्मपाल बोला तो भाई अभी मालूम चल जाता है। रानी मलियागरी को गेट पर खड़ी कर देता है, एक एक कैदी को बाहर बुलाता है। राजा चंद उन कैदियों में था। अब सब लोग कहना चालू कर दिया कि मैं राजा हूं मैं राजा हूं। अब बात का यकीन कैसे कर सकता राजा? धर्मपाल बोले भाई ये तो सभी राजा बन रहे हैं। अब मेरे सदनों राजा धर्मपाल राजा चंद मन में विचार लगाया, भाई कैद से मुक्त होने के लिए सब राजा बन रहे हैं, मेरे को राजा कौन समझेगा, मेरे हाल बेहाल है। अब तो रानी मलियागरी पहचानेगी। रानी मलियागरी पतिव्रता नारी थी, दूर से देखती है भाई मेरा राजा चंद ये है। राजा चंद का हाथ पकड़ लेती है। तो मेरे सदनों उस समय राजा चंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा चंद कहने लग जाता है, भगवान तेरी कैसी लीला है, कितना दुख भोगना, कितना दुख दिया तूने, चारों प्राणी को अलग अलग कर दिया और आज हमें एक जगह कर रहा है, लेकिन भगवान तेरे को दर्शन दीदार तो मुझे देने ही पड़ेंगे। हे गंगा मातेश्री, चारों प्राणी को अलग अलग कर दिया और आज बिगर भगवान दर्शन दिए हुए मैं चारों प्राणी को एक जगह कर रहा है, भगवान दीनबंधु दीनानाथ दर्शन तो देना ही पड़ेगा। तो मेरे सदनों क्या बताया, भगवान विष्णु दीनबंधु दीनानाथ उसी साधु के वेश में प्रकट होते हैं, आते कहते राजा ये तेरे राजपाट दुर्द की चाबी संभाल लो, इन गढ़नगरी का राज कर। राजा बोला साधु को देख करके ना ना महाराज, मैं
आपको दिया हुआ दान वापस नहीं लूंगा, मैं क्षत्रिय हूं सत्यवादी, दिया हुआ दान वापस नहीं लूंगा। तो मेरे सदनों, राजा चंद की बात सुनकर के भगवान विष्णु को हंसी आती है। भगवान विष्णु कहता है, राजा चंद मैं साधु नहीं, मैं भगवान विष्णु। क्या कहा? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु होता है शीश के ऊपर किरीट मुकुट होता है, सुदर्शन चक्र होता है, पीतामरी वस्त्र होते, तू काय का भगवान है, तू तो भूखा साधु है। या बात कही, कहते मेरे सदनो, भगवान विष्णु असली रूप दर्शाते हैं, वरदान देते हैं कि राजा तू महान सत्यवादी है, तू जीत गया और मैं हार गया हूं। इस प्रकार महान सत्यवादी राजा चंद हुआ, दुनिया गाथा गाते हैं। तो मेरे सदनों क्या बताया, गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से। तो बताया कवि ने, जग तारण गंगा महारानी गति मोक्ष की तू दाता। गंगा भी प्रकट हुई उस समय, राजा चंद भगवान विष्णु को गंगा माता श्री को हाथ जोड़ करके क्या कहता है, जग तारण गंगा महारानी गति मोक्ष की तू दाता। मेरे वक्त में क्रोध किया क्यों शस्त्र बत, मेरे वक्त में क्रोध किया क्यों शस्त्र धार भई माता। मेले पालनो पहली तीर पर प्राणी को मैं ले जाता, ऐसा मेरे दिया फटकारा, ऐसा मेरे दिया फटकारा उतल पुतल को भय जाता। ओ मोरे राम राम सिया राम। चारों प्राणी मिले आपस में राव राज्य दरगावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से। उल्टी गत गोविंद धनी तेरी हाँ साहब, ये प्रोग्राम जगदम्बा कैसेट दिल्ली द्वारा पेश किया जाता है। कैसेट मिलने का पता, राजस्थान म्यूजिक सेंटर रेडियो मार्केट जयपुर। गायक राजेंद्र राव, ग्राम धानुता निवासी। ढोलक मास्टर इब्राहिम भाई। मंजीरा वादक लल्लू शर्मा। निर्देशक एस पी नानू रामजी बागड़ू के पास वाले। और स्टूडियो बी एस बी। गोविंद